हे गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए जंक्शन। ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 21st लेक्चर है, जिसमें हम अपना चैप्टर टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर में आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट पेपर नंबर 10 एंड पेपर नंबर 12 दोनों जगह कवर्ड है। पेपर नंबर 12 की आज हमने पूरी वीडियो सीरीज प्रिपेयर कर ली है, और वहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने पूरा इन डिटेल में कवर किया है। तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो को देखने से पहले प्रिफर कीजिएगा कि आप वाला वीडियो देख के आएँ, ताकि जो वहाँ पे मैं आपको लिंक्स दूंगी वो पूरे देख के आएँ, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम इन शॉर्ट देखने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो हमारे पेपर नंबर 10 के बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटीज से कैश फ्लो शो करते हैं, ठीक है। मेनली यही एक्टिविटीज से आपके कैश फ्लो होते हैं। सारे कैश फ्लोज को हम इन तीनों एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा फाइनेंसिंग, तीसरा इन्वेस्टिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब आपका जो मेन काम है, हमारा काम समझ लीजिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है। तो इस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो भी हमारे पास इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, वो सारी चीज़ें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शो करेंगे। दूसरा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब जिस सोर्सेज से आपने फंड लिया है, ठीक है, समझ लीजिए लोन से लिया है, बैंक से लिया है, तो ये सब क्या है, हमारे इन सारी चीज़ों से हमारे पास फाइनेंस आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों से आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, प्लस ये लोन लेने के लिए आपको जो भी पेमेंट्स करनी पड़ रही है, वो सब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शो करेंगे। लास्ट हमारे पास आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐसी चीज़ें शो करनी, कहाँ कहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने से आपके पास से पैसे जाएंगे, प्लस उन इन्वेस्टमेंट से आपको क्या क्या रिटर्न मिल रहा है, और कब कब आपका प्रिंसिपल आपके पास वापस आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिंग में शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे शो करते हैं, मतलब उनका फॉर्मेट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अगर आपको शो करना है, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में अलग चीज़ें यूटिलाइज होती हैं, इनडायरेक्ट मेथड में अलग चीज़ों से हम वही वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड, डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड चीज़ें दी है, तो डायरेक्ट मेथड फॉलो कीजिए। इनडायरेक्ट से दिया है तो इनडायरेक्ट फॉलो करना पड़ेगा। मतलब दोनों मेथड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड देखिए, यहाँ पे आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए डायरेक्ट मेथड। ये क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड आप जो भी काम कर रहे हैं उसको यहाँ पे शो करते हैं। तो सबसे पहले हम शो करेंगे आपको कस्टमर से पैसा कितना मिला, ठीक है। तो कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैश फ्लो शो किया जाता है, अक्रूअल, प्रीपेड, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे शो नहीं करते, ठीक है। क्योंकि जो भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है वही यहाँ शो होंगे। इसलिए कैश जो भी आपको कस्टमर से मिला है, कैश जो आपने सप्लायर को पे किया, देखिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन से हमारे खर्चे भी होंगे, तो हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं, उन पे क्या क्या खर्च हुआ है, वो आप यहाँ पे शो करेंगे। और जो भी पैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे करेंगे वो यहाँ शो करेंगे। तो जो भी आपको कस्टमर से मिला, जो भी आपने सप्लायर को पे किया, और जो भी आपको एम्प्लॉयज़ को पे किया, तो ए माइनस बी माइनस सी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कैश हमको जनरेट हुआ है, ठीक है। अब कैश रिसीट्स कस्टमर से आपको डायरेक्टली भी दिया जा सकता है कि कैश हमको कस्टमर से इतना मिला, अदरवाइज आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपको, सेल्स प्लस ओपनिंग डेटर माइनस क्लोजिंग डेटर। कैश पेड टू सप्लायर निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा, सप्लायर कौन होता है, जिनसे हम परचेस करते हैं, तो परचेसेस प्लस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर। नेक्स्ट आता है कैश पेड टू एम्प्लॉयज, जो भी खर्चा आप एम्प्लॉयज़ को पे करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। ये जो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, वो मैं इन शॉर्ट में समझा रही हूँ। पेपर नंबर 12 का जो मैं आपको लिंक दूंगी उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमको यहाँ पे मिल गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो भी रिसीट्स हुए माइनस जो भी हमने एक्सपेंसेस पे किए। इसके बाद अगर इनकम टैक्स का कोई भी एक्सपेंस आप पे करते हैं, इसमें टैक्स प्रोविजन नहीं शो होगा, क्योंकि टैक्स प्रोविजन हमारा एक्सपेंस अभी तक नहीं हुआ है। टैक्स प्रोविजन मतलब आगे आने वाले टैक्स के लिए हम पहले से प्रोविजन बना के रख रहे हैं। जो आप इनकम टैक्स एक्चुअल में पे करेंगे वो आप यहाँ पे शो करेंगे, और साथ साथ एडवांस टैक्स भी शो होगा, क्योंकि एडवांस टैक्स अगर आप पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो पेमेंट हो रही है, मतलब कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए आपको शो करना पड़ेगा। मतलब कैश रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो
जो होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले आ गए। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को डिडक्ट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इजी था, यहाँ पे हमने सिर्फ रिसीट्स और पेमेंट को यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट मेथड। अगर समझ लीजिए क्वेश्चन में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी ही नहीं है, इन दैट केस आपको इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड से थोड़ा लॉन्ग है पर इजी है अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए आपको लेना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ये आपको डायरेक्टली भी दे सकता है या फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो फाइंड आउट हम वर्किंग नोट के थ्रू करेंगे, ये वर्किंग नोट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम इसको पूरा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स करना है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का क्यों एडजस्टमेंट हो रहा है वो समझिए, क्योंकि ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको लेना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाले आइटम, जो भी नॉन ऑपरेटिंग है उनको हमको हटाना पड़ेगा। प्लस ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होंगे, नॉन कैश नहीं होंगे, इसलिए नॉन कैश को भी आपको हटाना पड़ेगा। मतलब जो भी एक्सपेंसेस पहले आपने डिडक्ट किए थे उनको वापस ऐड कीजिए, और जो भी इनकम आपने पहले ऐड की थी जो कि नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग थी उनको आप डिडक्ट कीजिए। तो देखिए, हमारे पास नॉन कैश में है डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम में हमारे पास है गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क जो भी आपने अमर्टाइज किया था, ठीक है। तो अमर्टाइजेशन का खर्चा भी हमारे डेप्रिसिएशन के जैसे, डेप्रिसिएशन टैंजिबल पे लगता है, अमर्टाइजेशन इनटैंजिबल पे, तो वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग आइटम है हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, क्योंकि ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ये आपका किससे रिलेटेड है, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मतलब ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, हमने बोरो किया उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को बेचने से लॉस हुआ, ठीक है। तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये जो लॉस है ये हमारा पहली बात तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है और इसको हम शो करते हैं, पूरा सेल का अमाउंट डायरेक्टली शो होता है इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉन कैश आइटम है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कैश ट्रांजेक्शन आपका नहीं हो रहा है इसलिए ये क्या होगा, ये यहाँ शो नहीं होगा। प्रोविजन के लिए पहले एक्सपेंस की तरह शो किया गया था, अब इसको पहले डिडक्ट किया गया था, अब आप इसको ऐड करेंगे ताकि इसका जो भी एडजस्टमेंट हुआ था वो हट जाए, ठीक है। नेक्स्ट, आइटम्स टू बी डिडक्टेड, जो भी आपकी इनकम थी जो कि नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश थी उनको यहाँ पे आप वापस ऐड करेंगे, जैसे इंटरेस्ट इनकम रिलेटेड टू इंटरेस्ट से इंटरेस्ट इनकम हो रहा है रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रेंटल इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कवर किया जाता है किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नॉन कैश आइटम, ठीक है। तो ये सारे नॉन ऑपरेटिंग है और ये हमारा नॉन कैश आइटम है, तो ये सारे आप यहाँ से डिडक्ट करेंगे। इसके बाद आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ पे हमने वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को कवर नहीं किया। अब इसके बाद हम करेंगे वर्किंग कैपिटल में चेंज, पहले नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट्स करने हैं, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंज करना है, मतलब वर्किंग कैपिटल में भी जो एडजस्टमेंट्स आए हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा। देखिए, अगर करंट एसेट पहले डिक्रीज हुआ होगा तो आपने क्या किया होगा, उसको ऐड किया होगा, है ना, डिक्रीज हुआ होगा तो आपने पहले उसको डिडक्ट किया होगा, ठीक है। सिमिलरली करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ होगा तो हमने क्या किया होगा, उसको डिडक्ट किया होगा, ठीक है। इन करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होना, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है मतलब हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ होगा, और यहाँ पे हमारे करंट एसेट्स हट रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों पहले डिक्रीज हुए थे उनको वापस से ऐड करो, ठीक है। तो इनको हम वापस ऐड करेंगे, क्या क्या चीज़ें, करंट एसेट्स का डिक्रीज, करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे करंट एसेट्स हैं, इनमें जो भी डिक्रीज हुआ है उनको ऐड कीजिए। करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम एट्सेट्रा, जो भी आपके करंट लाइबिलिटीज है उनमें अगर कोई इंक्रीज हो रहा है तो इनको आप यहाँ पे वापस ऐड करेंगे।
सिमिलरली अगर इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट में और डिक्रीज हो रहा है करंट लाइबिलिटी में, तो उसको क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि इनको पहले अपोजिट ट्रीटमेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम आ जाएगा इससे। ठीक है, जो कि हम कहाँ पे पहुँच गए, इस वाले क्वेश्चन में हम यहाँ तक पहुँच गए, डायरेक्ट मेथड में हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके आगे सेम करना है जैसे हम डायरेक्ट मेथड में किया करते थे, इनकम टैक्स पेड को डिडक्ट कीजिए और कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स को डिडक्ट कीजिए। इसके बाद आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो। अब देखिए, यहाँ पे हमने बोला इनडायरेक्ट मेथड में कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम के लिए हमको वर्किंग नोट देखना पड़ेगा। तो देखिए वर्किंग नोट क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम फॉर द ईयर। अगर आपको दिया रहा है क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम से भी पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, तो आपको लेना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स डेबिट किए हैं हमने पहले एज ए एक्सपेंस, तो उनको वापस ऐड कर दीजिए, और अगर आपको टैक्स का कोई भी रिफंड मिला है तो उसको डिडक्ट कर दीजिए, क्योंकि पहले आपने उसको ऐड कर दिया होगा। ठीक है, तो इन दोनों एडजस्टमेंट के बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। अगर आपको दिया हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, मतलब टैक्स हमने यहाँ पे चार्ज कर लिया है, इन दैट केस आपको अगर कोई भी प्रोविजन दिया हो टैक्स का, तो उसको करंट ईयर का उसको ऐड कर दीजिए, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स जो कि आपने डेबिट किए होंगे एज एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस उसको ऐड कर दीजिए, और रिफंड अगर आपको कोई मिला है टैक्स से रिलेटेड तो उसको डिडक्ट कर दीजिए। इससे आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ठीक है, कि हमको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है एज सरप्लस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड करके या अलग से, लेकिन बैलेंस शीट में अगर दिया हुआ है, इन दैट केस उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों साल का दिया हुआ है, तो उनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, उसमें ऐड कीजिए प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का जो कि आपने पे किया है करंट ईयर में, ट्रांसफर जो कि रिजर्व्स में हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम जो कि डेबिट किया था आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, इन सारी चीज़ों को आपको ऐड करना है। और ये क्यों, क्योंकि ये सारे हमारे एक्सपेंसेस है, पहले डिडक्ट हो गए होंगे, वापस से इनको ऐड करना है आपको। फिर उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स को डिडक्ट कीजिए और एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम जो कि आपने क्रेडिट किया था उसको यहाँ पे डिडक्ट कीजिए। इसके बाद आपका आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। प्लीज़ एक बार जाके लिंक को ज़रूर देखिएगा, ताकि इससे पहले वाले जो वीडियो है रिलेटेड टू पेपर नंबर 12 में जो मैंने शो किया है वो आप समझ लें, ताकि ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लैरिटी से समझ आ जाए। ठीक है, एज अ रिविजन हम इसको देख रहे हैं, पूरा डिटेल में मैंने इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पूरा डिटेल मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उसमें कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो यहाँ पे हमने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं प्लस इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न मिल रहा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ शो करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम है हम पहले उनको शो करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने टैंजिबल एसेट्स जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स थे उनको आपने बेचा है, टैंजिबल या फिर इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स को अगर आपने बेचा है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट को बेचने से पैसा मिल रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स को अगर इसके अलावा कोई और आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आप बेच रहे हैं, तो वो भी आपके यहाँ पे कवर होंगे, एक्सेप्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कवर की जाती है, उनको हम अलग से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ शो नहीं होता, इसलिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज का अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। नेक्स्ट, लोन्स एंड एडवांसेस भरे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, अगर आपने किसी को दिए थे और उसका आपको रीपेमेंट मिल रहा है तो ये भी आपकी इनकम है, ये भी यहाँ शो होगा, इनकम मिल रहा है इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, नॉन करेंट एंड करेंट दोनों इन्वेस्टमेंट से आपका इनकम हो रहा है। इनकम क्या होता है, समझ लीजिए इंटरेस्ट मिल रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट में, डिविडेंड मिल रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट में, तो ये सारी इनकम्स हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, नॉन करेंट करेंट दोनों हो सकता है, बस मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में अगर हमने प्रॉपर्टी रखा था और उस पर आपको रेंट मिल रहा है, तो वो भी आपका
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की इनकम में कवर होगा। डिविडेंड मिल रहा है शेयर्स में, इंटरेस्ट मिल रहा है डिबेंचर्स में, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमको कहाँ कहाँ से इसमें पैसे मिल रहे हैं। अब ये पैसे हम कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास से पैसे जाएंगे। तो देखिए टैंजिबल एसेट्स या इनटैंजिबल एसेट्स हमने खरीदा, मतलब इन्वेस्टमेंट किया, तो ये परचेस का पैसा हमारे पास से खर्च हुआ। दूसरा इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं एक्सेप्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये भी पेमेंट में आएगा। और लोन एडवांसेस आपने किसी को दिए हैं तो वो भी यहाँ पे कवर होंगे, ठीक है। अब जो भी आपके पास इनकम आया डिडक्ट कीजिए उसको, जो भी आपने यहाँ पे उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस किए हैं, पेमेंट्स किए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपका अमाउंट आएगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये ध्यान रखिएगा जो भी पैसा आपने एक्चुअल में खर्च कर लिया है बस वही चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कवर की जाती है, क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश कहाँ जा रहा है, कैश कहाँ से आ रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मतलब आपने किसको किसको फाइनेंस, किससे किससे फाइनेंस लिया है और उन पे आपने कितना कितना पेमेंट किया, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया या पूरा प्रिंसिपल पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब कहाँ कहाँ से फाइनेंसिंग में आपके पास पैसे आ सकते हैं। शेयर्स आपने इशू किए, इशू करने पे आपको पैसे मिलेंगे, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड रहेगा। डिबेंचर्स आपने इशू किए तो उसका प्रीमियम प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों कवर्ड रहेगा। लोन आपको मिला है, शॉर्ट टर्म हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, कैश क्रेडिट हो या लॉन्ग टर्म हो, ये पूरे कवर किए जाएंगे। कैश जो कि आपने अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यूज किया है, ठीक है। पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन के लिए, डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए, पेमेंट ऑफ फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, रीपेमेंट ऑफ लोन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इंटरिम डिविडेंड पेमेंट किया, फाइनल डिविडेंड पे किया, इंटरेस्ट पे किया है डिबेंचर्स पे या इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पे, ठीक है। तो ये दैट इज कैश फ्लो जो भी आया और जो भी आपने कैश यूज किया उन दोनों को डिडक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो और यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दैट इज ए माइनस बी, ठीक है। तो इसी के साथ हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को भी इन डिटेल देख लिया। अब हम डायरेक्टली देखिए ये तीनों चीजें हम एक साथ प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में और एट लास्ट हम शो करते हैं जो भी हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं ताकि हमको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर देखेंगे हम 21 एंड 22, ये दो क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21, द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज ऑन 31st March 2015 एंड 2016 आपको दिया हुआ है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस किसमें दिया ये ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हमको दिया हुआ है बैलेंस शीट में, ठीक है। 9% डिबेंचर, सेंडरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, अनपेड डिविडेंड, फिक्स एसेट्स, लेस डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, कैश इन हैंड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसके बाद आपको दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2016 में कंपनी ने अपनी मशीन बेची है 120,000 में, मशीन का कॉस्ट था 240,000 और उस पर डेप्रिसिएशन लगा था 84,000 का, ठीक है। प्रोवाइडेड 420,000 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ऑन फिक्स एसेट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हमने बेचे हैं और प्रॉफिट हमने कैपिटल रिजर्व में डाला है, हमने डिबेंचर्स रिडीम किया है 30% डिबेंचर्स, मतलब जितने भी हमारे पास टोटल डिबेंचर्स हैं उनका 30% हमने रिडीम कर दिया है एट द रेट 105, मतलब 100 रुपीस के डिबेंचर्स थे उनको हमने 105 में क्या किया है, रिडीम किया है। डिसाइडेड टू राइट ऑफ फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 60,000 के फिक्स एसेट्स को हम राइट ऑफ कर रहे हैं जिसपे डेप्रिसिएशन 48,000 का चार्ज किया गया है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है।